दोस्तों, क्या आपका व्हाट्सएप स्टेटस किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखलाई दे रहा है? अगर आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रहे हैं और किसी को नहीं दिखलाई दे रहा है, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने के बाद भी किसी को न दिखलाई दे तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने व्हाट्सएप को। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैं स्टेप बताऊंगा बड़ा ही सिंपल होगा, आप आराम से अपने व्हाट्सएप में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं स्टेटस पे, तो यहाँ पे अगर हम स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है आपके स्टेटस में ऐसा आ रहा होगा या फिर यहाँ पे सिर्फ जीरो दिखलाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अगर इस तरह से आ रहा है या फिर यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिखलाई दे रहा है और कोई आपका स्टेटस नहीं देख रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से जैसे हम आ गए व्हाट्सएप में, और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपने प्ले स्टोर में जाकर और व्हाट्सएप को अपडेट कर दीजिएगा। कई बार व्हाट्सएप की वर्जन पुराना हो जाने की वजह से इस तरह का दिक्कत आने लगता है, उसके लिए आप इसे अपडेट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे अपडेट कर देने के बाद भी अगर न ठीक हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा इस तीन बिंदु पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो यहाँ पे आप सेटिंग्स पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा प्राइवेसी। प्राइवेसी में क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टेटस का, तो यहाँ पे आप स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे ओनली शेयर विथ या फिर माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट पे इस तरह से टिक है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से है तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा माई कॉन्टेक्ट पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आ जाइएगा बैक और यहाँ पे ये जो रीड रिसिप्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे ये कंटिन्यू ऑन होना चाहिए, तो इस तरह से अगर ऑफ है तो यहाँ से आप ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद आप आ जाइएगा बैक और फिर से स्टेटस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हम अगर स्टेटस में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो कटा हुआ आ रहा था वो भी ठीक हो गया, और अब जैसे ही कोई व्यक्ति इस स्टेटस को देखेगा तो यहाँ पे ये जो जीरो अभी है यहाँ पे काउंट बढ़ते जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे।